हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द मूवी क्रिएटो। आज की हमारी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं माय ट्यूटर मूवी को, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर बॉबी को देखते हैं, जो फ्रेंच का एग्जाम दे रहा होता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपना एग्जाम खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन वह वहीं पर बैठा रहता है और सबसे लास्ट में अपना पेपर सबमिट करता है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बॉबी का परफॉर्मेंस खराब रहता है, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में आ जाता है। बॉबी को नाराज देखकर उसका फ्रेंड बिली उसके पास आता है और उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। बिली कहता है, अब इन बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं है, समर वेकेशन आने वाला है तो हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आगे हमें बॉबी को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम बोनी है। बॉबी बोनी को चाहता है, लेकिन बोनी उसमें इंटरेस्ट नहीं रखती। उसके बाद वहाँ पर बोनी का बॉयफ्रेंड आता है और बोनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद बॉबी अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करता है और जब वे घर पर वापस आता है, वहाँ पर उसके डैड उसे बुलाते हैं। उसके डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है। बॉबी के डैड कहते हैं, तुम्हारी टीचर का कॉल आया था, तुम फ्रेंच सब्जेक्ट में फेल हो गए हो। ये सुनकर बॉबी डिप्रेशन में आता है और उसके डैड कहते हैं, तुम्हें समर वेकेशन में फ्रेंच सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच टीचर को हायर किया है, जो कल से तुम्हें पढ़ाएगी। ये सुनकर बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है, अब मुझे समर वेकेशन की प्लानिंग को खत्म करके ट्यूशन पढ़ना होगा। अगले दिन फ्रेंच टीचर आती है, जिसका नाम टैरी है। टैरी बॉबी से मिलती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंच सब्जेक्ट की टीचर हूँ और आज से मैं तुम्हें फ्रेंच सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगी। फिर टैरी बॉबी के डैड से मिलती है और वह कहता है, अगर तुमने मेरे बेटे को फ्रेंच सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई और उसके 85 नंबर आते हैं तो मैं तुम्हें बोनस के तौर पर $10,000 और दूंगा। टैरी इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन टैरी बॉबी की क्लास लेना शुरू करती है, लेकिन बॉबी क्लास में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर वे रात को अपने दोस्त के साथ मजे करने के लिए निकलते हैं और वे एक बार में जाते हैं। वहाँ पर बॉबी एक बार वाली लड़की से मिलता है और उसे गाड़ी में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन वहाँ पर उस बार वाली लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि वह एक गुंडा होता है। तो बॉबी कार के नीचे छुप जाता है, लेकिन वह गुंडे बिली को पकड़ लेते हैं। फिर वह बार वाली लड़की आती है और कहती है, यह वह लड़का नहीं है। तब वह गुंडे बिली को छोड़ देते हैं और उसके बाद बॉबी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में बॉबी अपनी ट्यूटर टैरी को नहाते हुए स्विमिंग पूल में देखता है। टैरी यहाँ पर बिना कपड़ों के नहा रही होती है। स्विम करने के बाद वह अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करती है। यहाँ पर भी बॉबी उसे छुप कर देख रहा होता है। अगले दिन सुबह टैरी फिर से ट्यूशन पढ़ा रही होती है, लेकिन यहाँ पर बॉबी टैरी के सपनों में खोया हुआ होता है, क्योंकि उसने टैरी को बिना कपड़ों के स्विम करते हुए जो देखा था। अब वो टैरी की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। वह टैरी को बताता है, मुझे फ्रेंच पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पसंद है। ये सुनकर टैरी बॉबी से कहती है, अगर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फ्रेंच में पास होना होगा। इसके बाद बॉबी भी फ्रेंच में इंटरेस्ट लेने लगा और वह पढ़ाई में प्रोग्रेस भी करने लगता है। जब टैरी उसका टेस्ट लेती है तो बॉबी के अच्छे मार्क्स आते हैं। बॉबी के अच्छे मार्क्स देखकर टैरी बॉबी को डिनर के लिए ले जाती है और वहाँ पर टैरी का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और वह वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये देखकर टैरी बॉबी के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसी रात जब टैरी फिर से स्विमिंग करने के लिए जाती है, तब बॉबी फिर से उसे छुपके से देख रहा होता है। जब टैरी स्विम करके अपने रूम के लिए जाती है, तब बॉबी छुप छुप के उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन आज टैरी उसे देख लेती है और उसे कहती है, तुम्हें किसी लड़की को ऐसे छुप छुप कर नहीं देखना चाहिए, ये गलत बात है। अगली सुबह बॉबी टैरी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। वह सोचता है कि इन दोनों का फिर से पैचअप हो गया है और ये देखकर वह काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि बॉबी के दिल में टैरी के लिए प्यार दिखने लगा था। फिर उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है और वहीं दूसरी ओर टैरी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और वहां पर देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ मजे ले रहा है। ये देखकर टैरी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। जब रात को बॉबी टैरी से मिलता है तो वह देखता है कि टैरी रो रही होती है, तो वह उससे पूछता है, क्या हुआ। टैरी उसे सारी बात बताती है। फिर बॉबी उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। यहाँ बॉबी और टैरी अंदर ही अंदर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसी रात टैरी स्विम करने आती है और वहाँ पर बॉबी भी आ जाता है। यहाँ पर टैरी बॉबी को स्विमिंग पूल में धक्का देकर गिरा देती है और पानी में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद वह रूम में जाते हैं और वहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ से दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। अगले दिन बॉबी का बर्थडे होता है और वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ पर बॉबी के डैड टैरी से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन टैरी मना कर देती है।
और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। पार्टी के बाद बॉबी टेरी से मिलने जाता है और यहाँ पर टेरी बॉबी से कहती है, हमारे बीच जो भी चल रहा है उसे सीरियस मत लेना। तो बॉबी कहता है, मैं भी सीरियस नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद बॉबी और टेरी एक रूम में चले जाते हैं और वे दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद बॉबी का एग्जाम का टाइम आ जाता है और वे एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है। एक दिन बॉबी के डैड टेरी और बॉबी को एक साथ किस करते हुए देख लेते हैं और उन्हें इन दोनों के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद बॉबी का एग्जाम होता है और बॉबी एग्जाम में 91% लाता है। ये देखकर बॉबी और टेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉबी थोड़ा दुखी होता है क्योंकि टेरी यहाँ से चली जाएगी क्योंकि अब उसके एग्जाम खत्म हो चुके हैं। इसके बाद टेरी और बॉबी घर आते हैं। तब बॉबी के डैड बॉबी से अकेले में बात करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कराने के लिए टेरी ने $10,000 एक्स्ट्रा लिए हैं। वह ये बात बॉबी को जानबूझकर बताता है। ये सुनकर बॉबी उदास हो जाता है। वो समझता है कि टेरी ने जो अब तक किया वो सिर्फ पैसों के लिए किया। बॉबी यहाँ पर गुस्सा होकर अपने डैड से कहता है, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अपने डिसीजन खुद लूंगा और मैं आगे चलकर एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ूंगा। ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह टेरी के पास जाता है और वह इस बारे में पूछता है और उसको बुरा भला भी कहता है। यहाँ पर टेरी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। उसके बाद बॉबी वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह रियलाइज करता है कि इन सब में टेरी की कोई गलती नहीं है। फिर वह रात को अपनी स्कूल की फ्रेंड बोनी के पास जाता है और उसे मूवी डेट के लिए कहता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। अगली सुबह टेरी अपना सामान पैक करके वहां से जा रही होती है। उसी वक्त बॉबी वहां पर आ जाता है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर टेरी वहां से चली जाती है। और दोस्तों मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।